और ये देखिए हलवा का। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी या रवे का हलवा की रेसिपी, और भी बिल्कुल सही माप के साथ। एकदम हलवा जो है वो परफेक्ट बनेगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए या रवे के हलवा बनाने के लिए सही माप होना बहुत जरूरी है। जिनको नहीं भी आता है ना, तो ये आप माप देख कर आप बहुत अच्छे से रवे की हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, और सारा जो यहाँ पे कटोरियां है वो सेम साइज के ही हैं, तो ये मुझे बताने में इजी हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी। तो यहाँ पे एक कटोरी मैंने सूजी लिया है, और एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी, और घी का माप जो है वो जितना सूजी है उससे आधा मैं घी डाल रही हूँ। आधी कटोरी घी है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, जिसमें मैंने लिए हैं काजू और बादाम। तो जब आप ये माप याद रखेंगे ना, तो आपका जो सूजी का हलवा है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और इसमें अब डालेंगे घी। तो सारा घी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा मैं घी को बचा ले रही हूँ, बाद में ऐड करेंगे। घी जो है वो मेल्ट हो गया है, ये ऑलरेडी मेल्ट घी था, तो अब ये हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे रवा, सूजी जो है वो आधा भून गया है, मतलब है कि 50% भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट्स, ये साथ में ड्राई फ्रूट्स भी भून जाएगा और सूजी जो है वो भी भून जाएगा। सूजी के साथ में ड्राई फ्रूट्स भून जाएगा, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा भून जाता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे भून कर भी डाल सकते हैं, और मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, साथ में भून जाता है तो ये इजी हो जाता है। सूजी का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और भूनना है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। कलर जो है वो बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, पानी जो हलवा में डालेंगे वो गर्म पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको पानी का मेजरमेंट बता दूं, तो जिस कटोरी से सूजी हमने लिया था एक कटोरी, तो यहाँ पे 3 कटोरी मैंने पानी डाला है। पानी का मेजरमेंट रखना बहुत जरूरी है, इससे है कि आपकी सूजी का हलवा जो है वो अच्छे से पकेगा, और कम हो जाएगा तो अच्छे से सूजी जो है वो पक नहीं पाएगा। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई मोटी है और कढ़ाई जो है वो गर्म भी है, और पानी सूजी में पानी जब डालते हैं ना, तो बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पे पानी जो है वो काफी हद तक सूख गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी, चीनी डालने से फिर से हलवा जो है वो गीली हो जाएगी। तो हम गीला में ही नहीं डालेंगे चीनी, चीनी डालने से सूजी जल्दी पक नहीं पाता है, तो बाद में ऐड करेंगे जब इसकी पानी सूख जाएगी। तो ये देखिए, जैसे ही हमने चीनी डाला, चीनी जो है वो मेल्ट होने लगा, तो जो हलवा है वो गीला हो गया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब चीनी डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पे करेंगे, और अब हलवा को अच्छे से पकाएंगे। अगर आप मोटी वाली सूजी से बना रहे हैं हलवा, तो आप 3 कटोरी के जगह पे 4 कटोरी पानी लीजिए। मैं जो हलवा बनाई वो पतली वाली बारीक वाली सूजी थी, तो इसमें 3 कटोरी पानी गया। और अब हलवा जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने घी बचाया था ना, वो घी ऐड कर देंगे। और ये देखिए हलवा का लुक घी डालने के बाद। अब करेंगे गैस को ऑफ, और बहुत अच्छे से घी को कर लेंगे मिक्स। सूजी का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है।